ये है हमारा चैप्टर 8 ए द मुगल एम्पायर का पार्ट 3 लेक्चर 3। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मुगल एम्पायर में जो आर्ट थे, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, रिलीजन कौन सा था, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला तो है बर्थ ऑफ इंडो इस्लामिक कल्चर। इंडो इस्लामिक कल्चर क्या है, जो मुगल्स के लोग थे इस्लाम रिलीजन के थे, इस्लामिक थे, उनका जो स्टाइल था कोई आर्ट बनाने का, आर्किटेक्चर बनाने का वो, और यार फिर जो भी कल्चर थे, ठीक है, वो सब चीज़ें, और इंडिया का जो स्टाइल था आर्ट बनाने का, आर्किटेक्चर का, या जो भी कल्चर थे, कस्टम्स थे, उन दोनों को मिला करके जो चीज़ बनी है उसे इंडो इस्लामिक कल्चर कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। रिलीजन, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, ये चार चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है किसी भी रीजन के लिए। कोई भी एम्पायर है, कोई किंगडम है, कोई रीजन है, तो उन सब चीज़ों में रिलीजन, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अभी हम जितने भी पहले पढ़ चुके हैं, दिल्ली सल्तनत हो गया या जो भी हमने पढ़ा, उसमें क्या देखे हैं, रिलीजन के बारे में बताए हैं, आर्ट आर्किटेक्चर कैसे थे, लिटरेचर कौन कौन सी थी, इनसे हमें उस एम्पायर के बारे में, उस किंगडम के बारे में हमें पता चलता है। मुगल रूल फॉर अबाउट 250 इयर्स। मुगल कितने साल तक रूल किए हैं, 250 इयर्स तक, अबाउट 250 इयर्स तक रूल किए हैं, मीन जो मुगल एम्पायर है वो 250 इयर्स तक का था। इसी बीच मुगल्स ने काफ़ी चीज़ें, आर्किटेक्चर बिल्ट किए, बहुत से लिटरेचर भी थे, सन में आ गया। अब ये देखते हैं कि जो मुगल्स थे उनका एटीट्यूड रिलीजन के टूवर्ड्स कैसा था, मीन्स दूसरे रिलीजन के बेस, दूसरे रिलीजन से कैसे बिहेव करते थे और कैसे थे। इस्लाम वॉज ऑफिशियल रिलीजन, जो मुगल एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन था वो कौन सा था, इस्लाम था, इस्लामिक रिलीजन था, एक्सेप्ट औरंगजेब एंड जहांगीर। औरंगजेब और जहांगीर को छोड़ करके और जितने भी मुगल्स किंग थे वो मतलब लिबरल थे रिलीजन की तरफ, मतलब जो बिहेवियर था दूसरे रिलीजन की तरफ, जैसे हिंदुइज्म है, हिंदूज हैं, उतना ज़्यादा इनटॉलरेंट नहीं था, मतलब जो हिंदू का कल्चर था वो अपना करने देते थे, उतना अगेंस्ट नहीं थे। लेकिन औरंगजेब और जहांगीर ये दूसरे रिलीजन के खिलाफ बहुत ज़्यादा थे, बहुत अगेंस्ट में थे हमेशा। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम टॉलरेंट टूवर्ड्स रिलीजन, मीन्स बहुत से, वही बताए ना, औरंगजेब और जहांगीर को छोड़ करके और जो भी किंग्स थे वो टॉलरेंट थे टूवर्ड्स रिलीजन, मीन्स दूसरे रिलीजन को, या हिंदू ही है तो उनके अगेंस्ट में नहीं थे। ठीक है, दे एम्प्लॉयड हिंदूज इन देयर आर्मी एंड कोर्ट। और क्या करते थे, जो हिंदूज के लोग थे, मीन्स जो हिंदू रिलीजन के लोग थे, उन्हें अपनी आर्मी में उन्हें पोस्ट करते थे, मीन्स उन्हें मतलब उन्हें आर्मी बनने का भी पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि वो हिंदू जो हैं वो आर्मी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कोर्ट, मीन्स जो दरबारी होते हैं, दरबार में जो किंग हैं उनके दरबारी में जो भी लोग होते हैं, उसमें कुछ लोग हिंदू भी थे। ठीक है, ये सब चीज़ें थी, मतलब ज़्यादातर जो भी किंग्स थे वो रिलीजन के उतने अगेंस्ट में नहीं थे, औरंगजेब और जहांगीर को छोड़ करके। समझ में आ गया इतना, नेक्स्ट देखते हैं अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। अकबर्स जो, मतलब अकबर जो थे वो रिलीजियस, दूसरे रिलीजन की तरफ या रिलीजन की तरफ कैसे इनके विचार थे, कैसी थिंकिंग थी। पहले हम देखते हैं लिबरलिज्म, मतलब उनकी थिंकिंग कैसी थी, वो रिलीजन पे कैसे वर्क किए हैं। पहला है, ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन। अकबर जितने भी रिलीजन थे सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे, किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं थे, किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं थे।
ही एबॉलिश्ड जाजिया। ही एबॉलिश्ड जाजिया मीन्स जाजिया को इन्होंने बंद किया। अकबर ने जाजिया को बंद किया। जाजिया क्या है? जाजिया ये टैक्स है। हिंदू जो हिंदू के लोग थे उनसे टैक्स लेते थे। किस चीज़ पर? जब हिंदू किसी तीर्थ यात्रा पर जाते थे, ठीक है, किसी होली प्लेसेस में, किसी पिलग्रिमेजेस में जाते थे, तीर्थ यात्रा में जाते थे, तब उनसे टैक्स लिया जाता था, ठीक है। तो उस चीज़ को अकबर ने बंद किया। नेक्स्ट है, मतलब वो रिलीजन के खिलाफ नहीं थे, ठीक है। ही मैरिड राजपूत प्रिंसेस। अकबर की शादी किनसे हुई है? राजपूत प्रिंसेस। जिनसे शादी हुई थी वो कौन थी? राजपूत की प्रिंस थी, ठीक है, राजपूत थी। तो उन्हें जो उनका रिलीजन था या जो भी उनके कस्टम्स थे प्रिंसेस के, जो भी राजपूत प्रिंसेस के कस्टम्स थे, जो प्रेयर करना चाहती थी, वो सब अकबर ने अलाउ किए हैं, ठीक है। वो जो भी उनका कस्टम था, रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं या फिर कोई प्रेयर करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए कभी मना नहीं किए और सब चीज़ को अलाउ किए हैं। एट इबादत खाना बिल्ट एट फतेहपुर सिकरी 1557 में। इबादत खाना क्या है? इबादत खाना वो है जहाँ पर कई लोग आकर के मतलब मीटिंग करते हैं, असेंबली बैठाते हैं, उस टाइप से, ठीक है। इबादत खाना को कौन बनवाए थे? अकबर बनवाए थे, ठीक है। कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी में 1557 में। समझ में आ रहा है इतना? और वहाँ पर क्या हुआ? अकबर जितने भी मतलब जो हिंदू के स्कॉलर्स थे, मे जो हिंदू में विद्वान थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे उन्हें, और जो टीचर्स थे उन्हें, हिंदू के, जैन, पारसी और क्रिश्चियन के जो टीचर्स थे, जो स्कॉलर्स थे, उन्हें बुलाएं, वहाँ पर एक साथ मीटिंग किए, मीन्स सब एक दूसरे से बात किए। इसके बाद मतलब फाइनल रिजल्ट क्या आया कि उन्होंने एक न्यू पाथ को फाउंड किया। जितने भी लोग थे, स्कॉलर्स और टीचर्स थे, ये सब ने, हर रिलीजन के थे, तो वो सब एक न्यू पाथ फाउंड किए। वो पाथ क्या था? दिन इलाही। न्यू पाथ क्या था? दिन इलाही। दिन इलाही मतलब क्या है? दिन इलाही का मतलब है रिलीजन ऑफ वन गॉड, ठीक है। मीन्स हर रिलीजन के एक ही गॉड है। हमें जो भी रिलीजन है, जितने भी लोग हैं, उन्हें एक ही गॉड को मानना चाहिए। मीन्स एक ही गॉड है, ठीक है। अकबर कभी भी किसी को फोर्स नहीं किए कि मतलब जितने भी लोग हैं, किसी को फोर्स, अगर वो चाहते हैं तो वो एक ही गॉड को माने, और नहीं चाहते तो कोई मतलब फोर्स नहीं करने कि आपको मानना ही है, ठीक है। वो उनके ऊपर डिपेंड करता कि वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ही एडवाइज देम टू स्टॉप ईट मीट एट लीस्ट वन मंथ इन अ ईयर। उन्होंने मीन्स अकबर ने ये भी एडवाइस किया लोगों को कि हमें मीट को नहीं खाना चाहिए, ठीक है, अगर हम खाते हैं तो एटलीस्ट साल में एक महीना हमें नहीं खाना है, ठीक है, एटलीस्ट वन मंथ के लिए हम ईयर में उसको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं इसके। नेक्स्ट पॉइंट है, ही स्टॉप्ड क्रूअल पनिशमेंट लाइक कटिंग लिम्स। अकबर जितने भी क्रूअल पनिशमेंट थी उन सबको भी रोके, जैसे कटिंग लिम्स, मतलब बहुत जब किसी को पनिशमेंट देना होता तो क्या करते थे? लिम्स कट कर देते थे, मीन्स फिंगर्स, हैंड, लेग्स की फिंगर्स या लेग्स, इन सब चीज़ को कट कर दे, बॉडी पार्ट्स कट कर देते थे, ठीक है। क्यों कट करते थे? जैसे मान लीजिए कोई टैक्स नहीं पे कर पाया टाइम से, तो उन्हें पनिशमेंट देते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, इन सब चीज़ों को अकबर मतलब ख़त्म किए, स्टॉप किए। डिस अप्रूव्ड सती सिस्टम, और सती सिस्टम को भी बंद किए। सती सिस्टम क्या है?
सती सिस्टम मीन्स सती प्रथा। ये क्या है कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है और इन केस हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनके साथ उनकी वाइफ को भी मतलब एक साथ ही जला दिया जाता था। ठीक है, ये थी सती सिस्टम, सती प्रथा। इस चीज़ को भी अकबर रोके। ठीक है, और ही इंट्रोड्यूस द वर्शिप ऑफ द सन फायर एंड लाइट। और क्या कहें, मतलब लोगों को एडवाइस करते थे कि हमें किस चीज़ की वर्शिप करना चाहिए, किस चीज़ की पूजा करनी चाहिए। सन फायर और लाइट की हमें वर्शिप करनी चाहिए, हमें पूजा करनी चाहिए इन चीज़ों की। यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो अकबर के बारे में हो गया, अकबर के रिलीजियस पॉलिसी कैसी थी। अब अकबर की जो मतलब अकबर का नेचर वाइज बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, जितने भी गलत काम हो रहे थे, जो भी क्रूअल पनिशमेंट थी या जो भी बैड वर्क्स थे, उन सब चीज़ों को रोके, स्टॉप किए। अब औरंगजेब जो है, ये मुगल एम्परर के लास्ट रूलर थे, मीन्स लास्ट मेन रूलर थे, पावरफुल रूलर थे। अब क्या हुआ, ये कैसे थे, बायगॉटेड थे, रिलीजियस पॉलिसी, बायगॉटेड रिलीजियस पॉलिसी मीन्स कट्टर थे, रिलीजियस दूसरी रिलीजन को ये बिल्कुल नहीं मानते थे और उन सब रिलीजियस के जो भी लोग थे उन सब के अगेंस्ट में ही थे। इंट्रोड्यूस जाजिया, अकबर जाजिया को ख़त्म कर दिए थे, लेकिन औरंगजेब फिर से इंट्रोड्यूस कर दिए जाजिया, क्योंकि ये दूसरे रिलीजन के खिलाफ में थे, अगेंस्ट में थे। अब क्या किए, जाजिया को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिए, जो भी हिंदू रिलीजन के लोग थे अगर वो कहीं पर जाना चाहते हैं, पिलग्रिमेज करना चाहते हैं, तो उनसे ये टैक्स लेते थे। ठीक है, इन 1670 ही रिमूव्ड ऑल द हिंदूज फ्रॉम द रिवेन्यू डिपार्टमेंट। 1670 में औरंगजेब क्या किए, जितने भी हिंदूज थे, जितने भी हिंदू लोग थे, उन सब लोगों को रिवेन्यू डिपार्टमेंट से हटा दिए। रिवेन्यू डिपार्टमेंट्स मीन्स जो भी रिवेन्यू से, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो भी है या जो भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट थे उन सब से हिंदूज को हटा दिए। और क्या किए, मतलब हिंदू को बाहर कर दिए हम अपने एम्पायर से। इसी वजह से और भी बहुत ही, मतलब ये भी एक रीज़न है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर का। ठीक है, अब हिंदूज रिमूव हो गए वहाँ से, बहुत से हिंदूज थे जो आर्मी में ज्वाइंट थे या और भी डिपार्टमेंट को संभाल रहे थे, उसमें वर्क कर रहे थे। जब सारे हिंदूज चले गए तो उनकी एम्परर क्या हो गई, वीक हो गई, और धीरे धीरे इसका एंड होने लगा। समझ में आ गया, ये क्या था, अकबर रिलीजियस पॉलिसी का लिबरलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका, अकबर रिलीजियस पॉलिसी का नेक्स्ट पॉइंट है भक्ति एंड दिस सूफी मूवमेंट। अकबर के टाइम पे जो सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट था उसके बारे में देखते हैं। हिंदू एंड मुस्लिम्स बिकम फॉलोअर्स ऑफ सूफिज्म। हिंदू और मुस्लिम ये दोनों किसके फॉलोअर्स हो गए, सूफिज्म के। मीन्स बहुत से लोग थे जो हिंदू रिलीजन को भी मानते थे और मुस्लिम रिलीजन को भी मानते थे, मीन्स दोनों रिलीजन को मानते थे या फिर किसी भी रिलीजन को नहीं मानते थे। ठीक है, मतलब ऐसा है कि ना तो वो मुस्लिम के अगेंस्ट में हो और ना तो मुस्लिम हिंदू के अगेंस्ट में हो, एक दूसरे के साथ में हो। ठीक है, कुछ हिंदूज हैं जो मुस्लिम की चीज़ों को भी फॉलो करें, कुछ मुस्लिम्स भी हैं, मुस्लिम्स हैं जो कुछ हिंदूज की चीज़ों को फॉलो करें। वो था सूफीज ऑफ अकबर्स टाइम। अकबर के टाइम में जो सूफीज थे वो कौन थे, शेख मुबारक, शेख मुबारक और उनके दो सन थे। ठीक है, टू सन्स, अबुल फजल एंड अबुल फैजी। और उनके सन थे कौन कौन, अबुल फजल एंड अबुल फैजी। ये सूफिज्म थे, सूफी थे। आमिर खुशरो एंड मालिक मोहम्मद जैसी वर पोएट्स ऑफ सूफिज्म। ये सूफिज्म के पोएट्स थे,
मतलब पोएट्स थे जो सूफिज्म थे, कौन कौन? आमिर खुसरो एंड मालिक मोहम्मद जायसी वर पोएट्स ऑफ सूफिज्म। समझ में आ रहा है? सिमिलरली जैसे ये सूफी मूवमेंट था कि हिंदू रिलीजन को और सूफी रिलीजन को, सॉरी हिंदू रिलीजन और मुस्लिम रिलीजन को माना है, मानना है, ठीक है, किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं रहना, उनके कस्टम्स को भी मानना है और इनके कस्टम्स को भी मानना है, ये सब चीज़ें थी। सेम वही भक्ति मूवमेंट में भी हुआ, भक्ति मूवमेंट में भी बहुत से लोग थे जो इन सब चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ रहें, ठीक है, अगेंस्ट में ना रहें। इससे रिजल्ट भी निकला कि हारमोनी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, मीन्स हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में हारमोनी हो, मीन्स एक साथ हो, ठीक है, पीस बनी रहे एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे का साथ दें, ये सब चीज़ें थी। सन में आ रहा, ये कब था? अकबर्स के टाइम में। सन में आ गया, सूफीज थे अकबर के टाइम में, कौन थे? शेख मुबारक और उनके सन अबुल फजल एंड अबुल फैजी। सन में आ गया। और पोएट्स कौन कौन थे? आमिर खुसरो एंड मालिक मोहम्मद जायसी। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं मुगल एम्पायर में म्यूजिक कैसा था। एक्सेप्ट औरंगजेब, ऑल वर लवर्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी। औरंगजेब को छोड़ करके और जितने भी किंग्स थे वो सारे नेचुरल ब्यूटी के लवर्स थे, मीन्स नेचुरल ब्यूटी को बहुत लव करते थे। जैसे माउंटेन्स हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स, रिवर, बर्ड्स, एनिमल, इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लव करते थे औरंगजेब को छोड़ करके, ठीक है। दे लव्ड आर्ट्स, म्यूजिक एंड कल्चर, और आर्ट्स, म्यूजिक और कल्चर को भी पसंद करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है तानसेन, फेमस म्यूजिशियन एंड सिंगर, वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स इन अकबर्स कोर्ट। अकबर्स कोर्ट में, मीन्स अकबर के दरबार में 9 जेम्स थे, टोटल 9 रत्न थे, 9 लोग थे जिन्हें 9 जेम्स के नाइन जेम्स कहते हैं। उसमें से एक है तानसेन, ठीक है। तानसेन कौन थे? ये बहुत ही फेमस म्यूजिशियन एंड सिंगर थे। म्यूजिशियन किसे कहते हैं? जो इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं वो, और सिंगर जो सॉन्ग को सिंग करते हैं, संग करते हैं, ठीक है, जो गाना को गाते हैं उसे सिंगर कहते हैं, म्यूजिशियन जो इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं वो। तानसेन इस चीज़ों में बहुत ही एक्सपर्ट थे, म्यूजिक में और सिंगिंग में। ये अकबर्स के कोर्ट में 9 जेम्स में से एक थे तानसेन। ही सैंग, और क्या गाते थे ये? हिंदुस्तानी राग्स लाइक राग दरबारी एंड दीपक राग। हिंदुस्तानी राग्स मीन्स जो हिंदुस्तानी राग्स में इंडिया में जो राग्स थे जो डेवलप हुए थे राग्स, उसमें से जैसे राग दरबारी और दीपक राग, ये कुछ राग हैं जिसे तानसेन इसे संग करते थे, ठीक है। यूनिक मिक्सचर ऑफ हिंदुस्तानी एंड पर्शियन स्टाइल, और म्यूजिक में, सिंगिंग में हिंदुस्तानी और पर्शियन का मिक्सचर जो था, हिंदुस्तानी स्टाइल मीन्स इंडिया का जो स्टाइल था सिंगिंग का, म्यूजिक का वो, और पर्शियन का जो सिंगिंग का और म्यूजिक का स्टाइल था वो, इन दोनों को मिक्स करके जो बना वो बहुत ही यूनिक था और बहुत ही बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ है, ठीक है। जैसे कुछ है ठुमरी, ख्याल, गज़ल एंड कव्वाली, और भी थे इंस्ट्रूमेंट लाइक, और इंस्ट्रूमेंट कुछ नए इंस्ट्रूमेंट डेवलप हुए इस टाइम पे, कौन कौन से? जैसे सितार, सारंगी और तबला, ठीक है। सन में आ रहा है म्यूजिक, म्यूजिक में क्या है? औरंगजेब के अलावा और जितने भी लोग थे वो सब नेचुरल ब्यूटी के लवर्स थे, नेचुरल ब्यूटी को बहुत पसंद करते थे और आर्ट्स, म्यूजिक और कल्चर को भी पसंद करते थे। मीन्स आर्ट मीन्स पेंटिंग वगैरह, म्यूजिक
और कल्चर जो भी फेस्टिवल्स हैं या कोई भी है कोई भी चीज़ को परफॉर्म करना, ये सब चीज़ें बहुत ही पसंद करते थे। तानसेन अकबर के कोर्ट में जो 9 जेम्स थे, मीन्स 9 रत्न थे, उसमें से एक थे तानसेन। ये बहुत ही फेमस थे किस चीज़ में, म्यूजिशियन और सिंगिंग में, सिंगर थे और म्यूजिशियन थे। ये क्या गाते थे, हिंदुस्तानी राग्स गाते थे, जैसे राग दरबारी और दीपक राग, ठीक है। और यूनिक मिक्सचर क्या था, हिंदुस्तानी और पर्शियन स्टाइल का म्यूज़िक और सिंगिंग का, जो हिंदुस्तानी स्टाइल था वो और पर्शियन स्टाइल था वो, इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों का मिक्सचर जो बना वो बहुत ही यूनिक था और बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ, जैसे ठुमरी, ख्याल, गज़ल और कव्वाली। कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स भी डेवलप हुए जैसे सितार, सारंगी और तबला। समझ में आ गया, इतना नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मुगल एम्पायर में पेंटिंग्स का डेवलपमेंट कैसा था। मोर देन 100 पेंटर्स वर्कड आउट डे एंड नाइट टू डेकोरेट अकबर्स पैलेसेस एट फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में जो अकबर्स पैलेसेस बनवाए थे, मीन्स बहुत सी आर्किटेक्चर बनवाए थे या बहुत जो अकबर महल बनवाए थे वहाँ पर, उन सब चीज़ों उन सब पैलेसेस को डेकोरेट करने के लिए 100 से ज़्यादा पेंटर्स थे जो डे और नाइट बराबर काम करते थे। मीन्स पूरा दिन पूरी रात पेंटिंग्स करने में, मीन्स पेंटिंग करते थे अकबर की पैलेस को डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। कहाँ की, फतेहपुर सिकरी की। हुमायूं ब्रॉट मैनी पेंटर्स फ्रॉम पर्शिया। हुमायूं पर्शिया से बहुत से पेंटर्स को ले आए थे। जब हुमायूं आए वहाँ से, पर्शिया से, तब बहुत से पेंटर्स को अपने साथ में लेकर आए। उसमें से एक फेमस पेंटर थे, वो हैं अब्दुल शमद। अब्दुल शमद ये बहुत ही फेमस पेंटर्स थे, पेंटर थे, इनके बारे में बताए हम। समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट है जहांगीर हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट पेंटर। जहांगीर खुद एक बहुत ही अच्छा पेंटर था, ठीक है। मीन्स जहांगीर जो है वो खुद ही बहुत ही अच्छे पेंटर थे, बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे। और इनके कोर्ट में, मीन्स इनके दरबार में कौन थे, मंसूर, ये भी पेंटर थे। और ये बहुत मंसूर वॉज हिज कोर्ट पेंटर। मंसूर कौन थे, इनके कोर्ट के पेंटर थे। मीन्स दरबारी, जो दरबार होता है जहांगीर का, जो दरबार था वहाँ के पेंटर थे कौन, मंसूर। समझ में आ गया इतना। पेंटिंग के पेंटिंग्स में 100 से ज़्यादा पेंटर्स लगाए थे अकबर के पैलेस को डेकोरेट करने के लिए, जो कहाँ पर थी, फतेहपुर सिकरी में। हुमायूं बहुत से पेंटर्स को पर्शिया से लेकर आए, उसमें से अब्दुल शमद बहुत फेमस पेंटर थे। जहांगीर खुद एक ग्रेट पेंटर थे, बहुत अच्छे पेंटर थे, और मंसूर इनके कोर्ट पेंटर थे। समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट देखते हैं आर्किटेक्चर के बारे में। उसमें है मुगल बिल्डिंग्स, मीन्स मुगल्स कौन कौन से बिल्डिंग्स बनवाए हैं, कैसा आर्किटेक्चर था वो देखते हैं। न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड इंडो पर्शियन और मुगल आर्किटेक्चर। जो नया स्टाइल था आर्किटेक्चर बनवाने का, ठीक है, वो कैसा था, मतलब जो आर्किटेक्चर की स्टाइल थी बनवाने की, उस आर्किटेक्चर को हम इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर या फिर मुगल आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन किंग कौन से आर्किटेक्चर को बनवाए हैं। पहला तो देखते हैं अकबर बिल्ट हुमायूं टॉम अ न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सिकरी। अकबर हुमायूं की टॉम बनवाए हैं कहाँ पर, फतेहपुर सिकरी में। टॉम क्या होता है, जब किसी की डेथ हो जाती है, जब उन्हें दफना दिया जाता है, उसके ऊपर से मॉस्क्यू जैसा बनवा देना, मस्जिद की तरह बनवा देना, उसे टॉम्ब कहते हैं।
अकबर हुमायूं की टॉम बनवाए हैं, कहाँ पर बनवाए हैं? फतेहपुर सिकरी, ये न्यू कैपिटल थी अकबर के टाइम पे। ये कैपिटल थी फतेहपुर सिकरी, नई कैपिटल बनाई गई थी। कौन सी? फतेहपुर सिकरी। यहीं पर हुमायूं की टॉम अकबर बनवाए थे। और अकबर क्या बनवाए थे? बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा टॉम ये किन की थी? शेख सलीम चिश्ती की, ठीक है। और अकबर पंचमहल भी बनवाए थे। समझ में आ गया? जहांगीर, जहांगीर कंप्लीटेड अकबर्स टॉम सिकंदरा नियर आगरा। जहांगीर अकबर की टॉम को कंप्लीट किए, पूरी तरह से इसको कंप्लीट किए। कहाँ पर? सिकंदरा नियर आगरा, आगरा के पास है एक प्लेस सिकंदरा, वहाँ पर अकबर की टॉम्ब को पूरी तरह उसको कंप्लीट करवाए हैं जहांगीर। और जहांगीर ने एक चीज़ और बनवाई थी, वो है इत्माद उद दौला। क्या? इत्माद उद दौला, ये पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है। और इन्होंने निशात और शालीमार गार्डन भी बनवाए थे, निशात और शालीमार गार्डन भी बनवाए थे। सन में आया? अकबर क्या क्या बनवाए थे? हुमायूं टॉम्ब बनवाए थे कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी में। बुलंद दरवाज़ा ये किन की टॉम्ब थी? शेख सलीम चिश्ती की। और पंचमहल बनवाए थे। मतलब सिर्फ इतना ही नहीं बनवाए हैं, अगर जहांगीर के बारे में हम इतना बता रहे हैं तो सिर्फ इतना ही नहीं बनवाए, और भी कई आर्किटेक्चर बनवाए हैं। जहांगीर क्या बनवाए थे? अकबर की टॉम्ब को कंप्लीट किए थे जो आगरा के पास है सिकंदरा में। और क्या बनवाए थे? इत्माद उद दौला, ये पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है। और निशात एंड शालीमार गार्डन बनवाए थे। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट देखते हैं और किंग्स क्या क्या आर्किटेक्चर बनवाए हैं, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है शाहजहां बिल्ट ताजमहल, बिल्ट जामा मस्जिद एट दिल्ली एंड पियर्ड मॉस्क्यू एट आगरा। शाहजहां क्या क्या बनवाए थे? ताजमहल बनवाए थे। ताजमहल सेवन वंडर्स है, पूरे वर्ल्ड में सेवन वंडर्स हैं, उसमें से एक वंडर्स कौन सा है? ताजमहल है। बिल्ट जामा मस्जिद एट दिल्ली, शाहजहां कहाँ, ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। जामा मस्जिद बनवाए थे ये कहाँ पर? दिल्ली में। और पियर्ड मॉस्क्यू कहाँ पर है? आगरा में। पियर्ड मॉस्क्यू भी बनवाए थे कौन? शाहजहां। कहाँ पर? आगरा में। इतना समझ में आया? नेक्स्ट है दिल्ली रेड फोर्ट। दिल्ली रेड फोर्ट भी कौन बनवाए हैं? शाहजहां बनवाए हैं। और रेड फोर्ट के अंदर ही बहुत मतलब कई ऐसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं। दिल्ली रेड फोर्ट के अंदर कई ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जैसे दीवान ई खास, दीवान ई खास, दीवान ई आम और रंग महल, ठीक है। ये कुछ बिल्डिंग्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। कहाँ पर बनी है? रेड फोर्ट के अंदर बनी हुई हैं। समझ में आ रहा है? बादशाही मॉस्क्यू, बादशाही मॉस्क्यू एट लाहौर, सेकेंड लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन साउथ एशिया, बिल्ट बाय औरंगजेब। औरंगजेब बनवाए थे क्या? बादशाही मॉस्क्यू। ये मॉस्क्यू कहाँ पर है? लाहौर में है। और साउथ एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट मॉस्क्यू है बादशाही मॉस्क्यू। और कौन बनवाए थे? औरंगजेब बनवाए थे। समझ में आ गया इतना? शाहजहां क्या क्या बनवाए थे? ताजमहल, जामा मस्जिद, पियर्ड मॉस्क्यू और रेड फोर्ट। रेड फोर्ट के अंदर कुछ बिल्डिंग्स हैं, दीवानी खास, दीवान ई आम और रंग महल। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, मीन्स जितने भी मुगल आर्किटेक्चर थे उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो कॉमन थी वो देखते हैं, और कैसे आर्किटेक्चर को बनवाते थे, उनका स्टाइल कैसा था। बिल्डिंग्स वर वेरी ब्यूटीफुल, जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है मुगल एम्पायर में, मुगल एम्पायर में जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है वो सारी बिल्डिंग्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम वाइट मार्बल एंड सम वर रेड सैंड स्टोन। ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स बनाई गई है वो
वाइट मार्बल से बनाई गई है। ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं वो वाइट मार्बल से बनी हुई है और कुछ बिल्डिंग्स भी हैं जो रेड सैंडस्टोन से बनाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यूज्ड फाइन क्वालिटी मटेरियल्स। जो भी मटेरियल यूज़ करते थे बिल्डिंग को बनाने के लिए वो बहुत गुड क्वालिटी के मटेरियल्स को यूज़ करते थे और बहुत ही आराम से बहुत अच्छे तरीके से बनाते थे कि जिससे उसमें बिल्कुल भी खराबी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, मोसेक वर्क्स इनलेट जेवल्स एंड स्टोन। मोसेक वर्क्स मीन्स टाइल्स की तरह उसको सजाना, टाइल्स की तरह नीचे लगाना, और जेवल्स जो होते हैं मीन्स बहुत प्रीसियस स्टोन्स होते हैं उन चीज़ों को लगाना, और स्टोन्स जो बहुत से कलरफुल स्टोन्स हैं उनको यूज़ करके आर्किटेक्चर या कोई भी बिल्डिंग बनाना। ब्यूटीफुल एंड बिग गार्डन्स। और ज़्यादातर जो भी आर्किटेक्चर हैं या जो भी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं उसमें या तो बिल्डिंग के अंदर गार्डन बना होगा या फिर बिल्डिंग्स के बाहर गार्डन्स मतलब ज़रूर होगा। डोम्स, जितने भी आर्किटेक्चर है बिल्डिंग्स हैं उसमें डोम्स बना हुआ है। ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं उसमें डोम्स मीन्स गुंबद बना हुआ है। समझ में आया इतना? अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि कौन किंग कौन से आर्किटेक्चर बनवाए हैं और उस आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इसे। अकबर्स कंट्रीब्यूशन टू आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का कंट्रीब्यूशन क्या था अकबर्स का आर्किटेक्चर में? फतेहपुर सिकरी में बहुत से आर्किटेक्चर बनवाए थे जैसे जोधाबाई पैलेस बिल्ट बाय अकबर। फतेहपुर सिकरी में ही क्यों इतना ज़्यादा बनवाए थे? क्योंकि अकबर के टाइम पे जो न्यू कैपिटल बनी थी वो कौन सी थी? फतेहपुर सिकरी थी। ठीक है, वहाँ पर जोधाबाई पैलेस बना कौन बनवाए थे? अकबर बनवाए थे। ये एक हिंदू टेम्पल की तरह है। ठीक है, इसमें पिलर्स भी बहुत से, पोर्चेस बने हुए, वरांदाज बने हुए हैं, ये सब चीज़ें इस पैलेस में बनी हुई हैं। बीरबल्स हाउस, ये भी अकबर बनवाए थे। कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी में। और इसका जो स्टाइल है आर्किटेक्चर का वो कौन सा था? हिंदू एंड पर्शियन आर्किटेक्चर। ठीक है, बीरबल्स हाउस कंबाइंड ऑफ हिंदू एंड पर्शियन आर्किटेक्चर। जो आर्किटेक्चर हिंदू और पर्शियन आर्किटेक्चर का मिक्सचर था बीरबल्स हाउस। समझ में आ रहा? पंचमहल, ये बुद्धिस्ट विहार था, मीन्स जो बुद्ध के मॉन्क्स और नंस लोग रहते हैं या फिर जो बुद्धिस्ट रिलीजन को मानने वाले बुद्ध लॉर्ड बुद्ध को की वर्शिप करने के लिए ये चीज़ बना हुआ था पंचमहल। और ये 5 स्टोरेज का बना हुआ, मीन्स पांच क्या कहते हैं, 5 स्टोरेज मीन्स 5 फ्लोर में बना हुआ है, 5 मंजिल में बना हुआ है। ठीक है, कौन सा है? पंचमहल। इस वजह से इसे पंचमहल भी कहते हैं, पंच मीन्स 5। ठीक है, ये क्या है? ये बुद्धिस्ट विहार है। बुलंद दरवाजा, ये कहाँ पर बना हुआ है? ये क्या है? जामा मस्जिद का जो साउदर्न गेट है उधर बना हुआ है। क्या? बुलंद दरवाजा। समझ में आ रहा है? ये सब अकबर बनवाए थे कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी में। जोधाबाई पैलेस अकबर बनवाए थे, ये एक हिंदू टेम्पल जैसा है पूरा। बीरबल्स हाउस, ये कंबाइंड है मीन्स मिक्सचर है हिंदू और पर्शियन स्टाइल का। पंचमहल बुद्धिस्ट विहार है, 5 स्टोरेज का बना हुआ है। बुलंद दरवाजा, ये साउदर्न गेट है कहाँ का? जामा मस्जिद का। जो जामा मस्जिद है उसका साउदर्न गेट जो है उस साइड का ये है बुलंद दरवाजा बना हुआ है। ये सब कौन बनवाए थे? अकबर बनवाए थे कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी में। कुछ और है उसे भी देखते हैं। नेक्स्ट है इबादत खाना, ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ वर्शिप। इबादत खाना, ये क्या है? ये पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जहाँ पर
जो टीचर्स हैं स्कॉलर्स हैं मीटिंग करते हैं एक साथ वो है इबादत खाना। इसे हाउस ऑफ वर्शिप भी कहते हैं, हाउस ऑफ वर्शिप भी कहते हैं। लेकिन ये मतलब यहाँ पर सिर्फ वर्शिप करने के लिए लोग नहीं आते, मतलब नॉर्मली जो फॉर्मल वर्शिप होती है वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती। वहाँ यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग रिलीजन के लोग आते हैं और यहाँ पर मीटिंग्स करते हैं, असेंबली करते हैं। जो रिलीजन के स्कॉलर्स थे, किंग्स थे, वो आकर के यहाँ पर मीटिंग्स करते थे। ठीक है, कौन बनवाए थे? अकबर बनवाए थे। कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद मेड बाय मेड ऑफ मार्बल आल्सो नोन एज मस्जिद ई जहानुमा। जामा मस्जिद, ये जामा मस्जिद जो है ये फतेहपुर सिकरी में है, अकबर बनवाए थे और ये पूरी मार्बल से बनी हुई है। ठीक है, पूरा वाइट मार्बल जो है उससे बना हुआ है और इस मस्जिद को मस्जिद ई जहानुमा भी कहते हैं। मस्जिद ए जहानुमा भी इसे कहते हैं। और इसमें तीन डोम्स हैं, जो मेन डोम्स हैं जो काफ़ी बिग डोम्स हैं वो तीन डोम्स हैं, मीन्स तीन गुंबद काफ़ी बड़े बड़े बने हुए हैं। टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, ये भी फतेहपुर सिकरी में है। कौन बनवाए थे? अकबर बनवाए थे। और आज भी लोग जो है यहाँ पर आते हैं, इनकी मतलब एक तरह से वर्शिप करते हैं, इनके जो भी करते थे, जो वर्क करते थे, उन सब चीज़ों से ये इंस्पायर्ड होते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? हम नेक्स्ट देखते हैं किसी किंग, नेक्स्ट किंग का देखते हैं जो आर्किटेक्चर में कौन से कंट्रीब्यूशन किए हैं उनके बारे में। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट देखते हैं शाहजहांस कंट्रीब्यूशन टू आर्किटेक्चर, मीन्स आर्किटेक्चर में क्या कंट्रीब्यूट किए हैं शाहजहां। शाहजहां क्या क्या आर्किटेक्चर बनवाए हैं वो देखते हैं। खास महल, दीवानी ई आम, मोती मस्जिद, ये कुछ आर्किटेक्चर भी बनवाए थे। और इन आर्किटेक्चरों में लिविंग बींग्स की पेंटिंग्स इसमें हुई हुई है, जैसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन सब जैसे ड्रैगन है, इस चीज़ की इन सब ये जो आर्किटेक्चर है इसमें पेंटिंग्स की गई हैं। जो अब के टाइम पे जो भी मॉस्क्यूज बन रहे हैं या फिर जो आर्किटेक्चर बन रहे हैं वो इस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं बनवा रहे हैं, लेकिन जो मोती मस्जिद है, दीवान ई आम है और ख़ास महल है, इन सब में बहुत से लिविंग बींग्स की पेंटिंग्स इसमें बनवाई गई थी। समझ में आ गया इतना? पहला देखते हैं हम ताजमहल। ताजमहल कौन बनवाए थे? शाहजहां बनवाए थे। और बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। शाहजहां ताजमहल को अपनी वाइफ की याद में, मुमताज महल इनकी वाइफ थी, इनकी याद में इन्होंने ताजमहल बनवाए थे। और टुक 23 इयर्स टू कंप्लीट फ्रॉम 1631 टू 1653 एडी। ताजमहल को बनने में पूरा 23 इयर्स लग गया। ताजमहल को बनवाने में 23 इयर्स लगे। कब? 1631 में स्टार्ट हुआ था बनना और 1653 एडी में जाकर के ताजमहल पूरी तरह से कंप्लीट हुआ था। बिल्ट एट आगरा ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। कहाँ पर बना हुआ ताजमहल? आगरा में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, जो वहाँ से यमुना रिवर जा रही है, जो आगरा में जो रिवर यमुना है, यमुना रिवर, उसके साइड में ये ताजमहल बना हुआ है। उस्ताद ईशा डिजाइंड, जो ताजमहल का पूरा ये जो आर्किटेक्चर है ताजमहल, इसकी जो पूरी डिजाइनिंग थी ये कौन किए थे? उस्ताद ईशा। कौन किए थे? उस्ताद ईशा। प्योर वाइट मार्बल, और ये पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है। ठीक है, फोर डोम्स वन ईच साइड ऑफ दिस, चार डोम्स बने हुए हैं जो ताजमहल के चारों तरफ हैं। ठीक है, ये ताजमहल है, ये ताजमहल है, तो इसके साइड में एक डोम्स बना है, ये दूसरा एक डोम्स बना हुआ है, और यहाँ पर, और ये चौथा डोम्स। ठीक है, मीन्स चार डोम्स बने हुए ताजमहल के
चारों साइड में। सन में आ गया। सेंट्रल डोम इज 56.1 मीटर हाई। जो सेंट्रल डोम है, जो ताजमहल का सेंट्रल डोम है, जो सबसे बिग डोम है, वो कितना मीटर हाई है? 56.1 मीटर हाई है। पूरे डोम की बात हो रही है, सिर्फ डोम जो है वो 56.1 मीटर हाई है। इंटीरियर चैम्बर इज ऑक्टेगनल। जो अंदर का चैम्बर बना हुआ है ताजमहल में, जो अंदर चैम्बर बना हुआ है वो किस शेप में है? ऑक्टेगोनल शेप में। मीन्स उसके जो साइड्स हैं वो 8 साइड्स हैं, ठीक है। ग्रेव ऑफ बोथ मुमताज एंड शाहजहां आर अंडरग्राउंड। ग्रेव ऑफ मुमताज महल एंड शाहजहां, मीन्स मुमताज महल और शाहजहां की जो, मतलब इन्हें जब दफनाया गया था, जो इनकी ग्रेव थी, कहाँ पर इन्हें दफनाए थे? ताजमहल के ही अंदर, अंडरग्राउंड मीन्स ग्राउंड के नीचे, ताजमहल में अंदर साइड, ताजमहल के इंटीरियर साइड में, अंदर इंटीरियर चैम्बर में इन्हें दफना दिया गया था। 50 लाख रुपीस ताजमहल को बनने का जो कॉस्ट था वो कितना आया? 50 लाख रुपीस पूरा कॉस्ट था, ठीक है। सन में आया इतना। ये ताजमहल के बारे में पढ़ लिए और देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है रेड फोर्ट, जो दिल्ली में है। कौन बनवाए थे? शाहजहां बनवाए थे। 9 ईयर्स टू कंप्लीट, 1639 to 1648 AD। 9 साल लगे पूरा रेड फोर्ट को बनवाने में, 9 ईयर्स लगे। कब स्टार्ट किए थे? 1639 में, और 1648 AD में जाकर के कंप्लीट हुआ था। 930 मीटर बाई 495 मीटर, मीन्स जो इसकी लेंथ और ब्रेथ है वो कितनी है? 930 मीटर बाई 495 मीटर। बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ये कहाँ पर बना हुआ है? रिवर यमुना के बैंक ऑफ रिवर यमुना, मीन्स रिवर यमुना जो है उसके साइड में ये बना हुआ है रेड फोर्ट। इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स, दीवान ई आम, दीवान ई खास, ये कुछ बहुत इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स हैं, मीन्स काफ़ी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं जो रेड फोर्ट के अंदर ही बनी हुई हैं। कौन कौन सी? दीवान ई आम और दीवान ई खास। दीवान ई खास में जो इसकी सीलिंग की गई है, मीन्स जो इसकी सीलिंग है वो पूरी सिल्वर से की गई है, गोल्ड का यूज़ किए हैं, प्रीशियस स्टोन्स यूज़ किए हैं दीवान ई खास में। और भी जो बिल्डिंग्स हैं उन सब चीज़ों में बहुत से गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन्स का यूज़ किए हैं। कुछ रॉयल प्लेसेस, पैलेसेस थे रेड फोर्ट के अंदर ही। रॉयल पैलेसेस मीन्स काफ़ी ज़्यादा रिच जैसा पूरा जो स्ट्रक्चर था, काफ़ी ज़्यादा रॉयल था, मीन्स काफ़ी ज़्यादा कहें कि मतलब बहुत ज़्यादा रिच टाइप से पूरा बना हुआ था, ठीक है। जैसे शीश महल, रंग महल और मोती महल। सन में आ रहा है। कुछ शाही पैलेसेस थी, रॉयल पैलेसेस में कुछ शाही पैलेसेस थी जो बनी हुई थी, जैसे शीश महल, रंग महल और मोती महल। शाहजहां मतलब बहुत सी कॉस्टली सब चीज़ बनती थी। जितने भी आर्किटेक्चर बनवाए हैं उसे बहुत ज़्यादा खर्चे किए हैं, बहुत रिच लुक पूरा दिए हुए हैं। सन में आया रेड फोर्ट के बारे में। 9 ईयर्स लगे पूरा रेड फोर्ट को कंप्लीट करने में, 1639 से 1648 AD तक ये बना है। लेंथ और ब्रेथ कितनी है? 930 मीटर से 495 मीटर, मतलब 930 मीटर बाय 495 मीटर। बिल्ट ऑन बैंक ऑफ रिवर यमुना। कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं जो अंदर बनी हुई हैं, जैसे दीवान ई आम, दीवान ई खास, और कुछ रॉयल पैलेसेस रेड फोर्ट के अंदर ही बने हुए हैं, शीश महल, रंग महल और मोती महल। रेड फोर्ट के कुछ फीचर्स देख लेते हैं, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है रेड फोर्ट के कुछ फीचर्स हैं, जैसे मैसिव वॉल्स। मैसिव वॉल्स जो मतलब फोर्ट की, रेड फोर्ट की जो वॉल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा बिग वॉल्स थी। और टू गेट्स थे, जो वेस्टर्न गेटवे था उसे लाहौरी गेट कहते थे,
जो वेस्टर्न साइड का गेट था उसे लाहौरी गेट के नाम से जानते थे। यूज्ड फॉर सेरेमोनियल फंक्शन, जो मुगल एम्पायर के टाइम पे इसको रेड फोर्ट को किस चीज़ में यूज़ करते थे, सेरेमनी जो भी सेरेमनी होती थी, जो कोई फंक्शन है मान लीजिए, तो वो सब यहीं पर होती थी रेड फोर्ट में। दीवानी खास हट पिकॉक थ्रोन इन द फॉर्म ऑफ बैड स्टीड ऑन गोल्डन लेग्स। दीवानी खास में एक पिकॉक थ्रोन था। पिकॉक थ्रोन में जो सिंहासन होता है वो पिकॉक के शेप में था, और किस फॉर्म में था, बेड के फॉर्म में, एक बेड के फॉर्म में, जैसे कह लीजिए चारपाई की तरह होता है, उस फॉर्म में ये था। उसके जो लेग्स थे, उस बेड के जो लेग्स थे, वो पूरे गोल्ड से ही, गोल्ड से बने हुए थे, गोल्डन लेग्स थे। और ये थ्रोन जो था वो पिकॉक शेप का था, मीन्स इसमें पिकॉक बना हुआ था, ठीक है। नादिर शाह टुक दिस थ्रोन टू पर्शियन 1739। जब नादिर शाह यहाँ आए थे पर्शिया से, ठीक है, और जब ये वापस पर्शिया गए तो इस थ्रोन को अपने साथ लेकर चले गए, मीन्स इसको जो पिकॉक थ्रोन था उसको नादिर शाह लेकर चले गए पर्शिया में 1739 में, जब यहाँ पर जब इंडिया में अटैक किए थे नादिर शाह, तो बहुत से एक्सपेंसिव चीज़ को लूट कर ले गए थे, तो उसमें से ये भी था एक पिकॉक थ्रोन, इसे भी अपने साथ पर्शिया ले गए थे 1739 में। वाटर चैनल और रेड फोर्ट में, रेड फोर्ट के पास से एक वाटर चैनल बना हुआ है, वहाँ से जब वाटर फ्लो करता है तब भी रेड फोर्ट का लुक जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहता है, ठीक है, समझ में आ गया। ये हम रेड फोर्ट के बारे में पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट आर्किटेक्चर देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं जामा मस्जिद। जामा मस्जिद दिल्ली में है। ये कब बना, 1650 से 1656 के बीच में ये बना है। बिगेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया, ये जामा मस्जिद जो है ये मॉस्क्यू है, और सबसे सबसे बड़ा मॉस्क्यू है कहाँ का, इंडिया का, पूरे इंडिया में सबसे बड़ा मॉस्क्यू कौन सा है, जामा मस्जिद, कहाँ पर, दिल्ली में। कैपेसिटी कितनी है इसकी, इसकी कैपेसिटी इतनी है कि 1000 लोग जो हैं वो एक टाइम पे 1000 लोग आराम से यहाँ पर वर्शिप कर सकते हैं। डिवोटीज मीन्स जो वर्शिप करने जाते हैं वहाँ पर, जो भी उनके गॉड हैं, तो एक टाइम पे एक 1000 लोग वहाँ पर आराम से आ जाते हैं। इन फ्रंट ऑफ प्रेयर हॉल देयर आर 11 आर्क्स। प्रेयर हॉल जो है उसके फ्रंट में, मीन्स जो प्रेयर हॉल जो बना हुआ है उसके फ्रंट में 11 आर्क्स बने हुए हैं। 11 आर्क्स मीन्स 11 डोम्स बने हुए हैं, गुंबद बने हुए हैं। कौन सा, एक सेंट्रल आर्क हो गया, एक सेंट्रल आर्क है। उसके बाद 5 आर्क्स ऑन बोथ साइड ईच। सेंट्रल आर्क है, ये सेंट्रल आर्क है। सेंट्रल आर्क के इस साइड भी 5 डोम्स बने हुए हैं, और इस साइड भी पूरा 5 डोम्स बने हुए हैं। टोटल कितने हो गए, 5 5 10, और ये सेंट्रल वाला आर्क्स मीन्स टोटल 11 आर्क्स उसमें बने हुए हैं। जामा मस्जिद जो है वो वाइट मार्बल से बनी हुई है, समझ में आ गया इतना। जामा मस्जिद कब बनी है, 1650 में। बिगेस्ट मॉस्क्यू है पूरे इंडिया में, जो सबसे बड़ी मॉस्क्यू है, मीन्स मस्जिद है, वो कौन सी है, जामा मस्जिद। कैपेसिटी कितनी है, एट अ टाइम 1000 डाइवोट्स आ जाते हैं। कितने आर्क्स हैं, 11 आर्क्स हैं, और 5 5 आर्क्स बोथ साइड ईच में हैं, मीन्स दोनों साइड 5 5 आर्क्स बने हुए हैं, वाइट मार्बल से बना हुआ है। ये तो हमने पढ़ लिया। अकबर कंट्रीब्यूशन क्या था आर्किटेक्चर का, वो भी पढ़ लिए। शाहजहां क्या कंट्रीब्यूट किए हैं आर्किटेक्चर में, वो भी पढ़ लिए। मतलब जो औरंगजेब थे, ये लोग बहुत से आर्किटेक्चर बनवाए, लेकिन जो औरंगजेब थे वो आर्किटेक्चर में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते थे, ठीक है। औरंगजेब एक ऐसे किंग थे जो आर्किटेक्चर में, आर्ट आर्किटेक्चर में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते थे।
सन में आ रहा है, और 1526 AD के बाद, मतलब उस इस टाइम तक जब ये थे, शाहजहां बनवाए थे, अकबर बनवाए थे, इस टाइम पे हुमायूं भी बनवाए थे, तो उस टाइम पे जब तक थे किंग औरंगजेब के पहले तक तो काफ़ी आर्किटेक्चर बने। इसके बाद से 1526 AD के बाद से ये जो आर्किटेक्चर बनना था ये काफ़ी कम हो गया था। ठीक है, सन में आया इतना, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मुगल एम्पायर के टाइम पे लिटरेचर कैसा था, कौन कौन से लिटरेचर थे। बाबर वॉज लवर ऑफ लिटरेचर, मीन्स बाबर को लिटरेचर बहुत पसंद था। ही वॉज एन म्यूजिशियन, पोएट और राइटर भी थे। बाबर एक म्यूजिशियन भी थे, पोएट भी थे और राइटर भी थे। और किस स्टाइल में राइटिंग करते थे, तुर्किश लैंग्वेज में, तुर्किश स्टाइल में। हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुक ई बाबरी, बाबर एक डायरी जैसा लिखते थे, उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी थी। फिर इसके मतलब बाबर की ऑटोबायोग्राफी लिखी गई, वो क्या थी, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, तुजुक ई बाबरी। ये बुक है तुजुक ई बाबरी, किनकी ऑटोबायोग्राफी है ये, बाबर की। अकबर्स कोर्ट हैड टू लिटरेरी जेम्स, अबुल फजल एंड अबुल फैजी। अकबर के कोर्ट में दो लिटरेरी जेम्स थे, मीन्स दो ऐसे रत्न थे, कौन कौन से, अबुल फजल और अबुल फैजी। ये कौन थे, शेख मोहम्मद के ये सन थे दोनों, अबुल फजल और फैजी। अबुल फजल मतलब इनके कोर्ट में ये दोनों बहुत ही ग्रेट पोएट थे। अबुल फजल ग्रेट पर्शियन पोएट रोट अकबर नामा। अबुल फजल एक पर्शियन पोएट थे, काफ़ी ग्रेट थे, और उन्होंने एक बुक लिखी है अकबर नामा। अकबर नामा में क्या है, अकबर की लाइफ के बारे में बताए हैं। ठीक है, अकबर्स लाइफ के बारे में इस बुक में, अकबर नामा में लिखा गया है। एन ई अकबरी अकबर नामा के बुक का ही एक पार्ट है, जिसमें अकबर जब किंग थे तो उनके टाइम पे जो लॉ थे, लॉ रेगुलेशंस थे और रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, उन सब चीज़ के बारे में इसमें एन ई अकबरी अकबर नामा का ही एक इस बुक का ही एक पार्ट है, उसमें लिखा गया है। जहांगीर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर ने ऑटोबायोग्राफी लिखी खुद की, कौन सी, तुजुक ई जहांगीरी, कौन सी थी, तुजुक ई जहांगीरी। और इसके बाद इसका नाम रख दिए हैं फरंग ई जहांगीर। सन में आया इतना, बाबर लिटरेचर के लवर थे, ये एक म्यूजिशियन थे, पोएट थे और राइटर भी थे। किस स्टाइल में लिखते थे, तुर्किश स्टाइल में। इनकी ऑटोबायोग्राफी थी तुजुक ई बाबरी। को अकबर के कोर्ट में दो पोएट्स थे, काफ़ी ग्रेट पोएट्स थे, शेख मोहम्मद के सन, अबुल फजल एंड अबुल फैजी। अबुल फजल कौन थे, ये पर्शियन पोएट थे, मतलब ग्रेट पर्शियन पोएट थे, जिन्होंने अकबरनामा लिखा। अकबरनामा में ये एक पार्ट है एनी अकबरी में क्या लिखे हैं, लॉ और रेवेन्यू सिस्टम के बारे में लिखे हैं। जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है तुजुक ई जहांगीरी, जो जहांगीर ने लिखी थी तुजुक ई जहांगीरी, और इसका नाम फिर रख दिए फरांग ई जहांगीर। सन में आया, नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं इसके। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ कॉलीग्राफी डेवलप्ड। कॉलीग्राफी क्या है, कॉलीग्राफी मीन्स बुक है, बुक में पेजेस हैं और पेपर के पेपर में इसको लिखा गया है, वही क्या है, कॉलीग्राफी है, जो इस टाइम पे मुगल एम्पायर में डेवलप हो गई थी। बहुत सी, मतलब बहुत ज़्यादा बुक नहीं लिखी गई थी कॉलीग्राफी में, मिस पेपर्स में, लेकिन कई बुक्स लिखी गई थी। पर्शियन बुक्स वर इन नस्तालिक स्क्रिप्ट, जो पर्शियन बुक्स लिखी गई वो किस स्क्रिप्ट में थी, नस्तालिक स्क्रिप्ट, मिस नस्तालिक लिपि में लिखी गई थी। वाइल हिंदी एंड संस्कृत बुक्स
जो हिंदी और संस्कृत बुक्स थी वो किस स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं? देवनागरी स्क्रिप्ट में, देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में। मालिक मोहम्मद जायसी ये भी एक ग्रेट पोएट थे। इन्होंने पद्मावत लिखी, पद्मावत बुक इन्होंने लिखी कौन? मालिक मोहम्मद जायसी हिंदी में। और पद्मावत किनके बारे में लिखे थे? लाइफ एंड ब्यूटी ऑफ पद्मावती। पद्मावत बुक में इन्होंने पद्मावती जो क्वीन थी, मेवाड़ की क्वीन थी, उनकी ब्यूटी और उनके लाइफ के बारे में इस बुक में लिखे हैं। ठीक है, कौन थी क्वीन? पद्मावती कहाँ की? मेवाड़ की थी, मेवाड़ की क्वीन थी। ठीक है, नेक्स्ट है तुलसीदास। तुलसीदास एक ग्रेट पोएट थे, हिंदी पोएट थे। 1532 से 1623 में इस टाइम पे ये बहुत ही ग्रेट पोएट थे। जो इन्होंने एक बुक लिखी है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, कौन सी बुक? रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस। इसमें लिखा गया है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और भी बहुत सी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। रामचरितमानस में कौन लिखे हैं? तुलसीदास। और भी कुछ हिंदी पोएट, मतलब हिंदी लिखने वाले कुछ पोएट्स थे, वो है चांद बरदई, जागनिक, शरणधर, गोरखनाथ, नामदेव, भूषण एंड बिहारी। ये कुछ हिंदी पोएट्स थे। समझ में आ गया इतना? पर्शियन बुक्स किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी? नस्तालिक स्क्रिप्ट में। हिंदी और संस्कृत बुक देवनागरी स्क्रिप्ट में। मालिक मोहम्मद जायसी हिंदी में बुक लिखे थे पद्मावत, जो पद्मावती क्वीन थी मेवाड़ की, इनकी लाइफ और ब्यूटी के बारे में इसमें बताए हुए हैं। तुलसीदास बुक लिखे थे रामचरितमानस, और कुछ हिंदी पोएट्स थे, फेमस पोएट्स थे चंद बरदई, जागनिक, शरणधर, गोरखनाथ, नामदेव, भूषण एंड बिहारी। समझ में आया इतना? नेक्स्ट हम देखते हैं उर्दू लिटरेचर कैसा था, उसके बारे में भी देख लेते हैं। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है उर्दू लिटरेचर। उर्दू लिटरेचर क्या है? पर्शियन, हिंदी और अरबिक। पर्शियन, हिंदी और अरबिक का मिक्सचर है। कौन सी लैंग्वेज? उर्दू लैंग्वेज। इन तीनों का मिक्सचर है उर्दू। लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया बहादुर शाह जफर 1837 टू 1857 एडी वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट पोएट। जो लास्ट एम्परर थे, मुगल एम्परर थे इंडिया के, कौन? बहादुर शाह जफर। ये 1837 से 1857 एडी में थे, और ये खुद ही एक उर्दू के ग्रेट पोएट थे। नाजिम ऑफ हैदराबाद, ये भी पोएट थे, उर्दू पोएट। गालिब, हली एंड जॉक, ये सब कौन थे? ये ग्रेट उर्दू पोएट थे। लखनऊ एंड लाहौर बिकम इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लिटरेचर। लखनऊ और लाहौर ये इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया था किस चीज़ का? लिटरेचर का। उर्दू पोएट्स पॉपुलराइज्ड गज़ल। उर्दू पोएट्स हैं, उर्दू पोएट जो थे वो गज़ल को और ज़्यादा पॉपुलर कर दिए, बहुत से गज़ल गाने लगे। और कलेक्शन ऑफ देयर पोएम्स नोन एज दीवान्स। जो पोएम्स थी, जो पोएट्स उर्दू पोएट्स पोएम्स लिखते थे, उनका जो कलेक्शन होता था उसे दीवान्स कहते थे। ठीक है, क्या? दीवान्स। समझ में आया इतना? यहाँ से ये उर्दू लिटरेचर कंप्लीट हुआ। यहाँ से हमारा चैप्टर 8A द मुगल एम्पायर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे 8B कंपोजिट कल्चर के बारे में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।